हाय, बड़ों को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, छोटों को दुआ और बहुत सारा प्यार। ये वीडियो स्पेशली सीएचटी रियलिस के लिए है, जिन्होंने आधार में रजिस्ट्रेशन किया हुआ है यूसीएल के लिए, और जिनका एक्टिव हो चुका है मशीन उनके लिए भी, जिन्होंने अप्लाई किया है उनके लिए, और जिनका प्रोसेस में है उनके लिए, ये सभी के लिए। तो ये जानना जरूरी है कि जिनका हो गया है वो अपना वॉक कर रहे हैं, तो वो अपना वॉक करें और अच्छे से करें, प्रॉपर चार्ज करें। सेकेंडली, अभी जिनका प्रोसेस में है या जिन्होंने कर दिया है उनके लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है, और ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहेगी। नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल पे बेल आइकन क्लिक कर दें और शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय सुझाएं, या कोई सजेशन आपकी है या कोई प्रॉब्लम तो वो ज़रूर हम सब तक शेयर करें। थैंक यू। अब आगे बढ़ते हैं कि ये जानना जरूरी है, पिछले वीडियो में आप सभी का जो प्यार मिला उसके लिए थैंक यू फॉर ऑल माय यूट्यूब फैमिली। इस वीडियो में ये बताना होगा कि जो पिछला गौरव त्यागी सर का मेल आया था, उस मेल के अंदर बहुत सारे लोगों ने अपना स्टैटिक आईपी गलत डाल दिया था, बहुत सारे लोगों ने अपना सीएससी आईडी गलत डाल दिया था, किसी का नेम मिसमैच हो गया था, या किसी ने अपना एनी डेस्क की आईडी गलत डाल दी थी। तो इसमें बहुत सारे लोगों का और बहुत सारे लोगों का लैपटॉप कॉन्फ़िगरेशन मैच नहीं हुआ, किसी का लोकल डाटा एरर भी हो गया, और किसी ने फाइल प्रॉपर डाउनलोड नहीं किया था या उसे प्रॉपर अपने सिस्टम में एज पर सीएससी यूआईडी गाइडलाइन अकॉर्डिंग टू यूज नहीं किया था। तो इसलिए अब बहुत सारे, देखो गाइस, एक आप लोगों व्यूअर, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे लोगों के पास, मेरे पास मेल आ रहा है, बहुत सारे लोगों का सपोर्ट के लिए आ रहा है। तो मेरी टीम 21st से लेके अब तक 4-5 दिनों से लगी हुई है, बैकएंड टीम और श्योरेस की जो सपोर्ट टीम है, वह स्पेशली हम लोगों ने आपके लिए एक अलग से टीम हायर किया हुआ है, और प्रॉपर एक टीम जो है प्रॉपर स्पेशली सीएससी वैली की ओनली हेल्प कर रही है, जिसे ई सर्विस श्योरेस की सपोर्ट टीम कर रही है। और ई सर्विस के अंदर आप सभी को एनीडेस्क पे लेके जो आपकी सर्विस चाहिए है, या जो आपको प्रॉब्लम हो रही है, या किसी भी चीज़ में, लाइक वो जीपीएस हो, या आपका सिंगल आईडी आईडिस डिवाइस, फिंगरप्रिंट हो, मोर्फो मंत्रा, या आपको आधार इनरोलमेंट न्यू सॉफ्टवेयर क्लाइंट का वर्जन हो, तो इन सब के लिए श्योरेस टीम आप सभी के लिए हेल्प कर रही है। और टीम आपको 14-14 घंटे जॉब कर रही है, जिसमें कि आप लोगों को वर्क फ्रॉम होम टीम कर रही है, बट आप सभी को सपोर्ट कर रही है इसके लिए। तो आप बने रहे इस चैनल पे और आगे इस चीज में जानेंगे कि अब जिनका ये पिछले वीडियो में बताया गया था L1 में, एक्चुअली जिन भी वेलिस के पास मेल आया, और मेल के बाद जैसे ये अनुराग जी का मेल आया, अनुराग जी के मेल के आने के बाद 21 तारीख को मेल आया और 22 तारीख को गौरव त्यागी जी का मैसेज आ गया सभी लोगों के पास, जो मैसेज नॉर्मली NIC से आता है, सेंडर NIC रहेगा, तो आप समझ जाएंगे वहां लिखा होगा सेंट, यानी सेंडेड बाई गौरव त्यागी। तो उसमें वो एक लिंक दिया गया था, जिस लिंक को ओपन करके आपको पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, तो आप, मैं आपको आई बटन पे ये लिंक दे देता हूँ, जो पिछले वीडियो का L1 का Part 2 है, उसमें आप देख जाके देख सकते हैं, और उसमें आपको समझाया गया है कि कैसे कैसे क्या चीज़ें हुई थी। और इसमें ये जानना है कि आप किसी भी तरह का कोई मिस्टेक ना करें, जिससे कि आपका अगर L1 की रजिस्ट्रेशन में किसी वजह से रह गया है, या फिर उनका, जिनका अगर कॉन्फ़िगरेशन मैच नहीं हुआ है, वो तो फिलहाल अपना कॉन्फ़िगरेशन मैच करा लें, जिसकी कोई डिवाइस अवेलेबल नहीं है वो अपने पास रख लें, और जिसका सब कुछ ठीक था, किसी वजह से उन्होंने एनी डेस्क नहीं लिए या उन्होंने रॉन्ग एंटर कर दिया था, तो वो अब ये वीडियो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो अगर अब आपके पास दूसरा गौरव त्यागी जी का दूसरा मैसेज आएगा 1 या 2 दिन के अंदर, जिन भी वेलिस के पास ये मैसेज आ जाएगा, उस मैसेज में लिंक दिया गया होगा, और लिंक पे क्लिक करके आप पिछले वीडियो में L1 का Part 2 में बताए गए तरीके से उसमें आप उसे फिल कर सकते हैं। उसमें बेसिकली आपका CSC ID मांगा जाता है, और CSC ID के साथ में वेलिस का नेम और उसका डिस्ट्रिक्ट होता है, और साथ में स्टैटिक IP और एनी डेस्क। तो स्टैटिक IP और एनी डेस्क, CSC ID और वेलिस का नेम, डिस्ट्रिक्ट, ये 4-5 चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से डालना होता है, उसमें आपको कोई मिस्टेक नहीं करनी होती है। गाइस, ये वीडियो थोड़ी सी और, यानी कि थोड़ी सी पहले के मुकाबले, यानी पहले वीडियो 5 मिनट की हुआ करती थी, अब मैं इसलिए वीडियोस को थोड़ा लंबा बनाता हूँ, बिकॉज गाइज आप लोग इसमें नाराज़ होने की बात नहीं है, जिसमें कि अगर मैं डिटेल से आप सभी को समझा सकूँ,
देखिए अगर मैं वीडियो को लंबा कर रहा हूँ तो ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ अगर मुझे अपना करना है तो नॉलेज मैं अपने तक रख सकता हूँ, ये सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए ताकि मैं हर एक चीज आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊं, समझाऊं और वो मिस्टेक आप ना करें। आप सही से समझदारी से काम करेंगे, प्रॉपर जो एस्पर है उसके अकॉर्डिंग टू करेंगे तो आपको शायद प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। तो ये जानना जरूरी कि आपके पास जब गौरव त्यागी जी का दोबारा से मैसेज आए और आपके सारे सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन ओके है तो उसमें क्या क्या करना है। सबसे पहला कि जो सिस्टम आपने स्पेशली यूसीएल के लिए रखा हुआ है उस सिस्टम में प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन रख लें, टीपीएम उसका आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगर लेटेस्ट मॉडल है तो आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, i5 9th generation या 10th generation के ऊपर जो भी होंगे उन सब में TPM 1.2 से प्लस में आता है, यानी कि 2019 या 2020 का कोई भी मॉडल होगा उसमें। तो अगर उससे पुराना मॉडल है तो एक बार आप रीचेक जरूर कर लें। दूसरा ये चीज़ है कि बहुत सारे वेलीज ने पहले जो पुराना सॉफ्टवेयर उनको मिला था आधार इनरोलमेंट क्लाइंट का, वो पुराना ओल्ड वर्जन था, उस वर्जन के अंदर जैसे कि आप सभी लोग न्यूज़ पे सुन रहे थे या बहुत सारे ऐसे वेलीज का एक था कि आ रहा था बहुत सारे ऐसे सुनने में कि वेलीज के पास मोबाइल नंबर अपडेट नहीं हो रहा है, तो मोबाइल नंबर अपडेट नहीं हो रहा है ऐसा कभी सिस्टम में नहीं है, बिकॉज आप नंबर वगैरह यूसीएल में सब अपडेट कर सकते हैं, सिर्फ दो चीज़ नहीं कर सकते, न्यू आधार मेकिंग और दूसरा होता है बायोमेट्रिक। आप नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब चीज आप चेंज कर सकते हैं जिसे डेमोग्राफिक अपडेट बोला जाता है। अगर आप बायोमेट्रिक और न्यू आधार मेकिंग ये दोनों इसमें नहीं कर पाएंगे क्योंकि आधार का दो पार्ट होता है, एक होता है बायोमेट्रिक्स और दूसरा होता है डेमोग्राफिक, तो बायोमेट्रिक्स न्यू मेकिंग नहीं पॉसिबल होगा और आपके पास यहाँ पे ओनली डेमोग्राफिक अपडेट कर सकते हैं। तो आप अपने लैपटॉप को सिस्टम को ओके रखें, टीपीएम आपके प्रॉपर होने चाहिए, उसके बाद आपका इंटरनेट कनेक्शन ये ध्यान रहे कि आपका 5 Mbps 10 Mbps से ऊपर हो, यानी कि इतना हो कि आपका इंटरनेट स्पीड फास्ट हो। अगर आप अपने सेंटर पे बहुत सारे सिस्टम को एक ही नेट से कनेक्ट कर रखे हैं तो ज़रूरी है कि आप बाकी सिस्टम को बंद कर दें जो अनयूज़ में हो, जो यूज़ नहीं किया जा रहा है। और ध्यान रहे कि कोई आपके मोबाइल, लैपटॉप या किसी सिस्टम में यूट्यूब या वीडियो कोई चला के उस दौरान नहीं देख रहा हो, बिकॉज कि अगर हम यूट्यूब में वीडियोस वगैरह कुछ चलाते हैं तो हमारा नेट का स्पीड थोड़ा स्लो हो जाता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है जो आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। तो आप ये चीज़ों का ध्यान रखें, सिस्टम को लॉग इन रख लें, एनी डेस्क आप ओपन कर दें। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, सिस्टम आप सब कुछ अपना रेडी रख लेंगे, एनी डेस्क आप अपना ओपन कर लें। जो आपने फॉर्म में गौरव त्यागी सर जी का जो लिंक मिला था उसमें जो फॉर्म आपको मिले थे लिंक, उस लिंक पे क्लिक करने के बाद पिछले वीडियो में बताया गया तरीके से आप उसे फिल कर लें प्रॉपर, और सारे फिल आप कैपिटल लेटर में करेंगे, उससे क्या होगा कोई मिस्टेक नहीं होगी। उसके बाद आप अपना इस तरीके से एनी डेस्क ओपन कर लें सिस्टम को ऑन करने के बाद, तो आपका इस तरह से होगा, ये सेम आपका ऐसे ही रहेगा। आपके पास एक रिक्वेस्ट आएगा, वो रिक्वेस्ट कैसे आएगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आपके पास यहाँ पे रिक्वेस्ट आए तो आपको प्रॉपरली अगर एनी डेस्क आप चलाते हैं तो आप उसे सिंपली एक्सेप्ट कर दें, वो सीएससी ई गवर्नेंस का आएगा। एक्सेप्ट करने के बाद आप ध्यान रखें, सीएससी वेली ये वीडियो भी थोड़ी बड़ी होगी बट इसमें आपको सारे वो तरीके समझाए जाएंगे जिनका L1 में रजिस्ट्रेशन यानी मशीन L1 की प्रक्रिया होने से रह गया है, ये उनके लिए ज़रूरी है या जिनका होना है वो उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आप यहां आके नोटपैड को ओपन कर लें, नोटपैड में ध्यान दें वेलीज आप क्या क्या अपने साफ साफ तरीके से लिख पाएंगे। तो आप यहां पे ये चीजें पहले से टाइप करके आप रख लें ताकि जब सिस्टम वो लॉगिन करें तो वेली का नेम टाइप करके रख दें अपना और सीएससी आईडी अपना रख दें। तो मैं आपको इसलिए फॉर एग्जाम्पल ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूं, वेली नेम जो भी हो है ना, जो भी है आपका, लाइक राहुल कुमार, अगर आपका राहुल कुमार है तो आप यहां पे ओनली राहुल कुमार ऐसे लिख सकते हैं,
यहाँ मैं आपको समझा देता हूँ वहाँ पे क्या क्या चीज़ें रखनी होती है। अब राहुल कुमार आप लिख देंगे, जैसे आपका सी एस सी वेली का जो सी एस सी आई डी है वो कितना है, वो आप ऐसे टाइप कर सकते हैं। मैंने इसलिए यहाँ पे एक्सेस लगा दिया ताकि वो हाइड करने के लिए, ये इन्फॉर्मेशन कुछ कॉन्फिडेंशियल होती थी इसलिए। तो आप ऐसे अपना कर देंगे, उसके बाद अपना एरिया का पिन कोड डाल देंगे आप इसमें, जो भी आपका एरिया का पिन कोड है वो आप यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ आए और यहाँ पे आपको अपना आधार यूसीएल क्रेडेंशियल जो होता है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। तो वो कैसे रहेगा, आप यहाँ पे टाइप ना करेंगे, जो आपके पास वेलीज मेल आया हुआ है जिस मेल के अंदर आपको aadhar@uidai.net.in की तरफ से आपका सी एस सी बैंक बी सी यूसीएल क्रेडेंशियल आया होगा, जैसे इस तरीके से लिखा होता है। आपका इस तरीके से होता है, ये बीच में मैंने हाइड कर दिया है ताकि आप, बट आप पूरा डालें तो बेटर होगा कि आप वहां से मेल से सीधे कॉपी करें और यहां पेस्ट कर दें। वो इसलिए कि आप सिर्फ ये चीजें रेडी रखेंगे तो उन्हें आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और इससे क्या होगा कि एक दिन के अंदर जो उन्होंने पिछली बार 63 persons को एक्टिव किया था, यानी उन्होंने प्रोसेस किया था, वैसे ही अगर हम इन चीजों का ख्याल रखेंगे तो शायद और ज्यादा वेलीज का वॉक एक दिन के अंदर हो पाएगा। ये मेरा एक बहुत ही अच्छा हेल्पफुल था जो आप सभी वेलीज के लिए और जो सीएससी की सीएसबीवी टीम कर रही है या सीएससी की यूआईडी टीम कर रही है उन सभी के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो ये चीजें आपको 3-4 points जो मैंने आपको बताई है ये काफी इंपॉर्टेंट बताया है। उसके बाद अपना आधार नंबर आप डाल दें, ये मैं डमी आधार नंबर डाल रहा हूं ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो आप इस तरीके से एक सेकेंड गाइस, थोड़ा सा सिस्टम स्लो हो रहा है बिकॉज थोड़ा टाइम ले रहा है। ये इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे वो सारी डिटेल डाल देंगे जो उनको जरूरत होगी। तो अप्रोक्सीमेट ये ज्यादातर 4-5 चीजें हैं जो उनको ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आपसे बार बार वो नहीं पूछेंगे। तो अगर आप जब हो तो आप ये सीधे सिस्टम ऑन करें, नेट प्रॉपर कनेक्ट रखें। और एक चीज और जरूरी है कि जब आप अपने पास लैपटॉप रखें तो ज्यादातर आजकल के लैपटॉप बहुत स्मार्ट तरीके से आने शुरू हो गए जिसमें यूएसबी का कनेक्शन वाला जो पोर्ट होता है वो बहुत कम होता है। तो इसलिए नोटपैड में ये सारी चीजें जरूरी हो जाती है। और जब आपका सिस्टम ऑन हो तो जैसे मैंने बताया कि उसके साथ में आप यूएसबी पोर्ट अलग से रख लें। यूएसबी पोर्ट आप कोई लोकल मार्केट से ना लें, जैसे अगर ले भी लें आप लोकल मार्केट से तो आप किसी ब्रांड का लें, लाइक आईबॉल और इनटेक या जो और भी अच्छे ब्रांड के आते हैं उनको लें, और कोशिश करें कि उसके अंदर यूएसबी 3 point से ऊपर होना चाहिए, 3.01 या 3.1 या 3 point हो। तो 3 का अगर आप लेंगे तो उसमें थोड़ा फास्ट होगा, यानी अगर आप कहीं से यूएसबी का हब लेते हैं, हब का मतलब क्या होता है, उसके अंदर 3-4 चीजें और चीजें कनेक्ट करना चाहिए होता है। तो वो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आजकल के जो भी i5 9th generation या ऊपर से लैपटॉप आ रहे हैं उन सब के अंदर 2 या 2 से 3 पोर्ट होते हैं, उससे ज्यादा पोर्ट किसी में नहीं आ रहा है बिकॉज आजकल के सारे लैपटॉप थोड़े स्मार्ट कैटेगरी में आने शुरू हो गए। तो यूएसबी पोर्ट जो होता है उसे इसलिए लेना होता है कि लैपटॉप के अंदर 2 या 3 पोर्ट होते हैं जिससे कि दिक्कत होती है। तो बेटर ये होता है कि आप पोर्ट अपने पास लेके रख लें, अपने सिस्टम के अंदर एंटीवायरस इंस्टॉलेड होने चाहिए, और जो पुराने आपके सिस्टम के अंदर अगर लैपटॉप आपका जो है यूसीएल के लिए वो एक सेपरेट आप सिस्टम रखें, उसके अंदर कुछ दूसरा एडिशनल वर्क ना करें, स्पेशली यूसीएल के लिए रखें आप। और जब आपके पास ये सारा यूएसबी पोर्ट साथ में रख लें और उसके अंदर सारे सिस्टम को कनेक्ट कर लें, ये अगर L1 की प्रक्रिया करेंगे तो उसमें आपको अभी सिस्टम कनेक्ट करने की जरूरत नहीं होती है,
तो L1 का थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं, जब आपको वो एनी डेस्क ले लेंगे और आपके नोटपैड पे ये पहले से टाइप कर रख दें, जो VLEs का नेम है, CSCID आपका एरिया का पिन कोड जो एज पर आपके आधार है, UCL का जो आपका क्रेडेंशियल नंबर है वो आप यहाँ डाल दें, और अपना आधार नंबर है। ये मैं आपको 5 पॉइंट बता रहा हूँ जो मैंडेटरी है और आपसे वो बार बार नहीं पूछेंगे, ठीक है? तो ये आप टाइप करके छोड़ दें, उसके बाद वो सिस्टम में जाएंगे और वो ईसीए लॉगिन करेंगे आपका। तो ईसीए जैसे वो करेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस, थोड़ी वीडियो लंबी होती है बिकॉज मैं आप लोगों को बड़े बारीकी से डिटेल से समझाता हूँ, ताकि बहुत सारे, देखो सबका माइंड, सबकी सोच, सबकी समझ एक जैसे नहीं होती है व्यूअर्स। तो प्लीज गाइस, बहुत सारे वेलीज बुरा ना माने इस बात को लेके, आपको माइंड करने की जरूरत नहीं है। किसी को समझ में थोड़ा जल्दी आ जाता है, किसी को थोड़ा टाइम लगता है, तो मैं इसलिए हर चीज को थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ, एक बार की जगह 2 बार 3 बार रिपीट करता हूँ, ताकि वो चीज समझ और आसानी से आपको आ सके। अगर आप टैलेंटेड हैं और आप जल्दी से समझ ले रहे हैं तो वेल एंड गुड, ये आपका गॉड गिफ्टेड है। और अगर आपको कोई चीज थोड़ी सी जल्दी समझ में नहीं आती है तो ये उनके लिए इसलिए बताया जाता है बार बार रिपीट करके, ताकि उनको समझ में ये बात आ जाए। गौरव त्यागी जी, जब आपके पास मैसेज कर दें तो मान के चलें ये आपका क्रेडेंशियल हो गया। मैं आपको फॉर एग्जांपल कोई एक क्रेडेंशियल इसमें लेके दिखा देता हूँ, माने यूपी का ये क्रेडेंशियल है, ये अनिल कुमार का है, बट मैं आपको ऐसे दिखा दे रहा हूँ। तो आपका इस तरीके से रहेगा, और आप एनी डेस्क लॉगिन कर लें, एनी डेस्क आप लॉगिन करके अपने पास रखें, अपने ये नोटपैड के अंदर सारी चीजें टाइप कर दें मेरे बताए गए इस तरीके से, और अपने इस सिस्टम को लॉगिन करके रखें अपने पास L1 की प्रक्रिया के लिए, जिनका अभी रह गया है। तो ये मैं सिस्टम में पिछली बार आप लोगों को L1 की प्रक्रिया के लिए बताने के लिए उसमें मैंने कर दिया था, तो उसमें मैंने इंपोर्ट कर दिया है इसलिए ये नहीं ले रहा है। तो L1 में आप ऐसे ही सेम करें, तो मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ पे सब ऊपर सुपरवाइजर लिख के आएगा। अब जैसे यहाँ पे सुपरवाइजर लिख के आएगा ऑपरेटर आईडी के अंदर, और यहाँ पे ऑपरेटर नेम में भी आपका सुपरवाइजर होगा, और ऑपरेटर आईडी के अंदर डिफॉल्ट डिफॉल्ट आपका आधार नंबर, यानी 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 3 टाइम करें आप, और आपका एज डिफॉल्ट होगा लॉग इन कर दें। और पिछली वीडियो पे एक बार आप जाके देख लेंगे जिसमें इंपोर्ट तीनों फाइलें की गई थी, जिसके अंदर मास्टर डाटा होता है, नेम डिक्शनरी होता है, और एक और फाइल होता है वो, और लास्ट में जो होता है सेकेंड लॉग इन के अंदर, उसमें आपका यूजर क्रेडेंशियल होता है। तो यूजर क्रेडेंशियल जब भी आप अपलोड करें तो यूजर क्रेडेंशियल का आप एक फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लें, यानी कि अनजिप कर लें, और उस फाइल को अनजिप करने के बाद उसके अंदर 2 फाइल होती है, उस फाइल को ओपन करेंगे तो उसके अंदर आपको मिलेगा यूजर क्रेडेंशियल, एक प्रॉक्सी एंड सिक्योरिटी फाइल यूजर क्रेडेंशियल, और आप उसके अंदर फिर होता है यूजर क्रेडेंशियल में यूजर क्रेडेंशियल डॉट CSV, यानी कि आपका एक्सेल का फाइल, और यूजर क्रेडेंशियल डॉट XML, जो डॉट XML वाला फाइल है वो इसमें थर्ड लॉगिन में सेकेंड लॉगिन के अंदर इंपोर्ट किया जाता है, जिसे यूजर क्रेडेंशियल इंपोर्ट कहा जाता है। तो सेकेंड लॉगिन में इसको L1 की प्रक्रिया में ही अपलोड करना होता है। ये हो गया, उसके बाद आप अपलोड करने से पहले इन बात का बड़े अच्छे से ध्यान रखें कि सबसे पहले आप उसको एक्सेल वाले फाइल को, जो आपका एक्सेल फाइल में यूजर क्रेडेंशियल एक्सेल फाइल, उसको ओपन करें। ओपन करने के बाद कंट्रोल F करें, यानी कि फाइंड आउट, उसमें अपने नेम डाल के आप फाइंड करें, या फिर अपना ये जो यूजर क्रेडेंशियल है जो आपको मेल में आया वो डाल के आप फाइंड आउट करें। उससे क्या होगा कि अगर आपका यूजर उसके अंदर नहीं होगा तो वो चीज आपको पहले पता होगा। गाइस, इन बात का बड़े ध्यान से रखना है कि अगर आपने ECA के अंदर इंस्टॉल कर दिया है एप्लीकेशन, और इंस्टॉल आधार इनरोलमेंट क्लाइंट लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करने के बाद अगर आपने ECA के अंदर कुछ गलत चीजें कर दी है या गलत इंपोर्टिंग कर दी है, तो आपका यहाँ पे एरर आना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए ये आपको जरूरी है, अगर आपको उस टाइम समझ में आता है तो आप उसे कर दें, नहीं आता है तो सिर्फ आप डाउनलोड करके सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके छोड़ दें,
कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की जरूरत आपको नहीं है, टीम थोड़ा सा 5 मिनट लगेगा वो कर लेंगे जो सीसी से कॉल आएगा उनके पास। तो ये करने के बाद अब आपकी प्रक्रिया L2 में चली जाएगी। तो उसके लिए आपको क्या क्या जरूरी है, अब मैं वीडियो को थोड़ा एंड करने वाला हूँ जिसमें आप सभी को समझा देता हूँ कि करना क्या है। अपने सबसे पहले आपको सबसे पहले नोटपैड ओपन कर लेना है। L1 में जब गौरव त्यागी जी का मैसेज आ जाए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ इसलिए बार बार ताकि समझ में आ जाए, लास्ट अब रिपीट करके मैं क्लोज करूंगा। अपना VLIS का नाम डाल दें, CSC ID डाल दें, पिन कोड डाल दें, उसके बाद अपना यूजर क्रेडेंशियल आप एंटर न करें बल्कि कॉपी पेस्ट करें, कॉपी वहां से करें मेल से और लाके यहां पे पेस्ट कर दें। आधार नंबर प्रॉपर एंटर करें, कोई भी इसमें 5 चीजों में से मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, और अपना नोटपैड ओपन करके इनमें सारी चीजें रेडी रखें पहले से। उसके बाद ECA में आके अपना लॉग इन कर लें, ECA को आके यहाँ पे ओपन करके, और उसमें अपनी फाइल अगर आपने इंपोर्ट कर दिया है तो आप कुछ ना करें, और अगर आपने इंपोर्ट नहीं किया है तब भी आप वहीं पे रुक जाएं, वहां पे सिर्फ आएगा पहले लॉगिन के अंदर सुपरवाइजर, नेम में सुपरवाइजर और डिफॉल्ट में 1234 1234 1234 ये आपको डाल के लॉगिन कर देना है। उसके अंदर आपका पहले जाएगा मास्टर डाटा इंपोर्ट, फिर उसके अंदर आएगा नेम डिक्शनरी इंपोर्ट, फिर एक और फाइल आता है, फिर उसको एग्जिट कर दिया जाता है। फिर सेकेंड टाइम ECA को ऐसे लाके फिर लॉगिन करेंगे, उसके बाद उसको उसमें फिर वही डिफॉल्ट चीजें लॉगिन करेंगे, नेम एज ए सुपरवाइजर, ऑपरेटर ID एज ए सुपरवाइजर, नेम एज ए सुपरवाइजर और आधार नंबर एज ए डिफॉल्ट आधार 1234 1234 1234 लॉगिन। उसके बाद उसमें आप जाएंगे तो आपका यूजर क्रेडेंशियल इंपोर्ट करना होता है। तो यूजर क्रेडेंशियल इंपोर्ट करने से पहले आप यूजर क्रेडेंशियल का एक्सेल फाइल को ओपन करके उसमें अपना क्रेडेंशियल बाई नेम बाई यूजर क्रेडेंशियल सर्च कर लें, अगर है तो ही अपलोड करें, नहीं है तो वेट करें, मेल करें गौरव त्यागी हेड CSE स्टेट हेड CSE डिस्ट्रिक्ट मैनेजर CSE डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर और CSE के अपने टीम को, ताकि वो दोबारा से आपको आपका यूजर क्रेडेंशियल फाइल सेंड करेंगे। तो जो पहले फर्स्ट वर्जन में जिनको पहले टाइम आया था, यानी अगस्त से पहले जिनके पास आया था मेल, उस मेल के अंदर जो वर्जन था वो ओल्ड वर्जन है। अगर आपने सिस्टम में इंस्टॉल कर दिया है तो सबसे पहले आपको डाउनलोड में जाना है, डाउनलोड में जाकर डाउनलोड के अंदर जाएं और डाउनलोड में जाकर सबसे पहले उसको डिलीट करें जो आपका पुराना सॉफ्टवेयर था आधार यूजर क्रेडेंशियल का। उसके बाद अपने सी ड्राइव में जाएं और सी ड्राइव में आधार इनरोलमेंट क्लाइंट का जो फाइल है उसको डिलीट करें। उसके बाद रिफ्रेश करके आप देख लें कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका यहाँ पे कोई भी चीज़ें रह गई हैं पुराने फाइल। फिर रिपीट करता हूँ मैं, अगर पुराना फाइल है तो उसको आप जाएंगे सबसे पहले डाउनलोड में, डाउनलोड में जाके उसको डिलीट करेंगे। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल में जाएं, कंट्रोल पैनल में जाकर उसमें जो आधार इनरोलमेंट क्लाइंट का सॉफ्टवेयर था उसको जाके अनइंस्टॉल करें। थर्ड सी ड्राइव के अंदर जाएं जहां पे आपका सॉफ्टवेयर जिस ड्राइव के अंदर इंस्टॉल था वहां पे जाके उसको डिलीट कर दें। फिर आपको नए जो मेल आए हुए हैं, नए सॉफ्टवेयर नए वर्जन आए हैं आधार इनरोलमेंट क्लाइंट का, उसको आप डाउनलोड करें। इंस्टॉल का प्रोसेस सेम पहले की तरह होगा, उसके बाद इंपोर्ट उसके अंदर फाइल करनी है। तो सारे फाइल को डाउनलोड करने के बाद एक्सट्रैक्ट फाइल कर लें या फिर अनजिप कर लें और प्रॉपर किसी एक ड्राइव के अंदर सी या डी ड्राइव में आप एक फाइल बना लें यूजर UCL का, जैसे कि मैं आपको समझा देता हूँ ये UCL क्रेडेंशियल फाइल, या कोई भी एक पार्टिकुलर न्यू फाइल करके बना सकते हैं और सारे फाइल उसके अंदर ले जाके पहले उसको एक्सट्रैक्ट कर लें, अनजिप कर लें, उसके बाद अपने क्रेडेंशियल को चेक कर लें XML में, अगर है तो ही कुछ करें। इंस्टॉल करने के बाद आप उसके अंदर अगर यूजर क्रेडेंशियल आपका है तो आप उसमें एक्सपोर्ट कर इंपोर्ट कर दें सारे फाइल को, और अगर आपको जहां समझ में ना आए वहां स्टॉप हो जाए, आप उसको आगे ना करें प्लीज। इससे क्या होगा कि बहुत सारे VLIS का क्या हो रहा है, लोकल डाटा एरर हो रहा है, इंपोर्टिंग डाटा एरर हो रहा है, वो इसी वजह से हो रहा है कि उन्होंने कहीं कोई चीजें मिस्टेक कर दी थी या किसी फाइल की जगह किसी फाइल को इंपोर्ट कर दिया था। तो अगर आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन होता है इसके रिलेटेड तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में श्योर इज सपोर्ट एंड हेल्प टीम का पेड वर्जन है, वहां पे आप जाकर अपनी सपोर्ट के लिए हेल्प ले सकते हैं। टीम अवेलेबल रहती है अपनी मॉर्निंग टू इवनिंग, किसी भी CC VLIS को अगर इश्यूज होता है किसी भी ई सर्विस ई हेल्प के लिए तो ई सपोर्ट ई हेल्प के लिए टीम अवेलेबल रहेगी। तो आप
अब यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगा, जो गौरव त्यागी जी ने फाइल भेजी थी L1 की प्रक्रिया के लिए, उसमें बहुत सारे वेलीज का रह गया, तो आप जैसे देख सकते हैं इसमें बहुत सारे लोगों का एरर भी हुआ, जैसे ये बहुत सारे CC ID हैं, आप देख रहे होंगे एनडीएस ID वगैरह, और इसमें ये ग्राफ उन्होंने बनाया हुआ है कि आगरा के अंदर में बरेली के अंदर, तो एक चीज है कि आगरा के अंदर काफी अच्छा ग्राफ जा रहा है, बेटर वॉक करने वाले लोगों में से माने जाते हैं, झांसी में थोड़ा अच्छा वॉक करने वाले लोग हैं, और उसके बाद यूपी के अंदर अभी सांबल यूपी में थोड़ा ठीक ठाक काम चल रहा है, और मेरठ वगैरह, तो ये एक तरह से ग्राफ उन्होंने रेडी किया हुआ था जिसमें हाथरस के अंदर काउंट 2 हुआ है। तो अभी मैं आपको थोड़ा डिटेल देखता हूँ कहाँ कहाँ पे चलिए, इस बात का थोड़ा सा बड़ा थोड़ा सा मजा आ रहा है, और मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ कि जो L1 की प्रक्रिया हुई थी वो कैसे हुई थी। तो आप यहाँ पे देखिए टोटल काउंट आगरा के अंदर 12 हुए थे आगरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ये सिर्फ यूपी का मैं आपको बताना जा रहा हूँ। तो यूपी के अंदर अगर 12 काउंट हुए हैं तो 12 काउंट के अंदर अप्रोक्सीमेट 12 का रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, 4 या 5 लोगों का रजिस्टर्ड हुआ है। उसके बाद आप आइए यहाँ पे आगरा में फिर 3 काउंट हुआ है, और फिर उसके बाद अमरोहा के अंदर जेपी नगर में 1 काउंट हुए हैं, उसके बाद औरैया में 1 हुए हैं, बरेली के अंदर 1 और भदोही के अंदर 2 हैं, बिजनौर के लिए 1। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है वेलीज, प्लीज स्किप ना करें वीडियो पे, कंटिन्यू बने रहें चैनल पे, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे क्लिक, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और ये बलरामपुर 1 है और बाराबंकी में 1 है, मतलब अगर हम बात करें भदोही बिजनौर चंदौली में सब 1-1 है, देवरिया में 2 है, मतलब आगरा का जो है वो आगरा इस टाइम सुपर स्टार हो रहे हैं, और आगरा के जो वेलीज हैं बहुत अच्छा वॉक कर रहे हैं। इसलिए महोबा में 7 काउंट हुआ, और दिखा देता हूँ संत कबीर नगर, यहाँ से सबसे पहले देख लेते हैं BCD या यहाँ, एक मिनट, गाजीपुर और फतेहपुर 1-1 काउंट हो रहे हैं, गोरखपुर, गाजियाबाद, गाजीपुर, हाथरस, हरदोई, तो ये सब एक तरह से इन्होंने जो महाशब रिकॉर्ड बना दिया था, मेरठ के अंदर 3 है। तो इसमें बहुत सारे वेलीज का जो गलत नंबर्स वगैरह, या बहुत सारे 86 लोगों को उन्होंने रिस्पॉन्स किया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसमें बहुत सारे लोगों का उन्होंने रिस्पॉन्स किया था, तो प्लीज जब भी आप सिस्टम पे हो तो सिस्टम पे लॉग इन रख लें मैसेज आने के बाद गौरव जी का, और एनी डेज लॉग इन होना चाहिए, बहुत सारे लोगों का नेट स्लो हो जाता है, इन चीज़ों का ख्याल रखें, बिकॉज कि उनके पास, देखो मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप कोई चीज़ें कर सकते हो तो कर लो आप, और अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो उसे ना करें। तो इसके अंदर ये सभी लोगों का नाम था जिनका अटेंड उन्होंने किया था, 86% रिस्पॉन्स देख रहे होंगे, और उसमें स्टैटिक IP का जो रिस्पॉन्स था वो 85 देख रहे हैं, बहुत अच्छा था। 10 काउंट, ये कोई हैं जिन्होंने अपनी स्टैटिक IP कई बार डाल दिया है, मतलब एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा गाइज, यहाँ पे बड़े ध्यान से समझने वाली बात है, ये आप देखो जरा बहुत ध्यान से गाइज, बहुत सारे वेलीज कहते हैं कि सर आप वीडियो इतना लंबा क्यों बना दिया, आपने छोटी सी चीज़ थी छोटी चीज़ में बता देते, यार अगर मैं छोटी चीज़ में जल्दी बताऊंगा तो वो मज़ा वो समझ वो अच्छे तरीके से नहीं आएगी, जो बारीकियाँ हैं प्लीज माइंड नहीं करना आप लोग, जो बारीकियां हैं वो जानने के लिए बहुत डीपली मुझे धीरे धीरे करके समझाना पड़ेगा। तो ये देखेंगे आप, एक बंदा है कोई, एक हमारा वेलीज है जिसने वही IP एड्रेस कितनी बार 10 बार काउंट किया है, या तो वो उसने काउंट किया है, और ये पॉइंट बहुत नोटेड है, यानी अब इस पॉइंट को आप बड़े ध्यान से नोट करना आप लोग, ये वाला पॉइंट है ना। तो इसके अंदर सबसे जरूरी बात जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि अब देखो आप कि इस इसमें जो स्टैटिक IP या ये एक्चुअली मुझे लगता नहीं है ये स्टैटिक IP है, इसको बोलते हैं डायनेमिक IP। अब मान के चलो एक एरिया में कोई बंदा है और वहां पे कोई मेन सर्विस प्रोवाइडर है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, उसने क्या करा 10 VLEs को 10 साइबर कैफे वाले को या 10 किसी पर्सन को उसने कनेक्शन दे दी, और कनेक्शन में सब में डायनेमिक IP उस टाइम अंतराल सबका सेम मोड है, तो डायनेमिक IP है वो आपका भी हो सकता है, कभी किसी और का भी हो सकता है, कभी किसी और का, आप एक ही सर्विस प्रोवाइडर से हम ले रहे हैं, कभी डायनेमिक IP मेरे को मिल जा रही है, कभी डायनेमिक IP किसी बी पर्सन को, किसी सी पर्सन को, किसी डी को, ऐसे करके 1, 2, 3, 4 करके 10% को हो रही है, तो डायनेमिक IP क्या है हमेशा चेंज होता रहता है। अब क्या हुआ कि सारे विलेज ने लगा यार मेरे को IP एड्रेस, और देखो IP एड्रेस डायनेमिक और स्टैटिक होते, तो
और सब लोग कंफ्यूज, पहले किसी को नहीं पता था कि यार एस्टेटिक में हमारे को एस्टेटिक आईपी लेनी है। तो अब जो एक सर्विस प्रोवाइडर से बहुत सारे लोग वॉक कर रहे हैं, तो उनका क्या होता है कि स्पेशली इसमें कि सभी का डायनेमिक आईपी, अब मान के चलो अभी मैं मॉर्निंग में आधी घंटा पहले मैंने चेक किया तो वो डायनेमिक आईपी मेरे पास था, अब आधी घंटे बाद अगर आप चेक कर रहे हो तो आपके पास वो डायनेमिक आईपी आपके सिस्टम में शो कर रहा है, कुछ देर बाद थर्ड पर्सन कोई चेक कर रहा है तो आधी घंटे बाद उसके पास डायनेमिक आईपी है। तो सबने क्या सोचा यार मेरे आईपी यही है, उसने सिस्टम में डाल दी। तो आप ये गलती ना करें, अगर आपके पास एस्थेटिक आईपी है तो एक्चुअल में आप अपने सर्विस प्रोवाइडर से उसका एक प्रूफ लें। और ये जानना बहुत जरूरी है आप लोगों को कि अगर जो गाइस जो वीएलईज हैं जिनके पास अगर एस्थेटिक आईपी है तो वो अपना मेल करके स्टैटिक आईपी गौरव जी को, अजीत जी को, या अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जो हैं आपके सीसी को, उन सभी को मेल कर दें और उसको व्हाइट लिस्ट करा दें। व्हाइट लिस्ट का मतलब ये है कि सारे वीएलईज की तरफ से एक मेल जाता है या उनकी जो एक रिक्वेस्ट आप देखते होंगे बीच बीच में कि अपनी स्टैटिक आईपी अपडेट करो, लिंक दिया जाता था। वो बिकॉज इसलिए दिया जाता था कि आप सभी का स्टैटिक आईपी है वो यूआईडी को भेजा जाएगा व्हाइट लिस्टेड के लिए। व्हाइट लिस्टेड का मतलब क्या है, वहां पे वो रिकॉर्ड कर दिया जाएगा पार्टिकुलर आपकी सीसी आईडी पे, पार्टिकुलर आपका यूजर क्रेडेंशियल पे, पार्टिकुलर आपकी स्टैटिक आईपी है ना। तो वो वहां पे जाके यूआईडी के पास ये सारी चीजें क्लियर थी, इसलिए उसको बोलते हैं व्हाइट लिस्ट कराना जरूरी। तो अगर किसी के कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो उन चीजों का बड़ा ख्याल रखें कि अगर आप अपने सर्विस प्रोवाइडर से ले रहे हैं स्टैटिक आईपी, तो पिछले वीडियो में आपको बताया गया था हर एक अपने आईपी को गूगल पे सर्च जाके करें कि माई आईपी एड्रेस, तो वहां पे जो आईपी शो कर रहा है वही आपका ब्रॉडबैंड के लॉगिन में देखें, ब्रॉडबैंड या फिर आपका जो मॉडम है वाईफाई राउटर है उस पर लॉगिन करके देखें। अगर वहां पे सेम है आपकी आईपी एड्रेस है और वही आईपी एड्रेस आपके माई गूगल सर्च में भी है तो आपकी वो स्टैटिक है, और स्टैटिक है तो उसका भी एक है कि आप टाइम अंतराल चेंज करते रहें हर 15-20 मिनट, आधे घंटे, एक घंटे, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, दो चार दिन आप चेक करें पहले। ऐसा तो नहीं कि सर्विस प्रोवाइडर बाद में चेंज कर दे रहा है, कभी किसी की स्टैटिक उठा के आपको दे दी, तो ये बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि स्टैटिक आईपी आपको दे दी, आपको लगा एक दो चार घंटा चलाया आपने, एक दिन आपको लगा कि ये मेरी स्टैटिक आईपी मेरी हो गई, ठीक है, और उससे कुछ प्रूफ ले लिया आपसे सर्विस प्रोवाइडर ने, कुछ प्रूफ ले लिया और आगे करके फॉरवर्ड कर दिया, पता लगा वो किसी और की स्टैटिक आईपी आपको दे दी, बाद में वो किसी और को फिर दे दी। तो ये जरूरी है वीएलईज कि आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंफॉर्मेटिव है जो नॉलेज मैं सभी लोगों को डीपली नॉलेज देके आता हूं ताकि आप सभी तक ये पहुंच सके। तो आप जब भी अपनी स्टैटिक आईपी लें तो अपने सर्विस प्रोवाइडर से लिखवा कर ले बिल के अंदर कि तू मेरे को बिल बना के दे, इस पे साफ साफ आप मेंशन करो कि दिस इज द स्टैटिक आईपी फॉर विद माय, ये मेरे ऊपर रजिस्टर कर दे, रजिस्टर ओनली फॉर मी, कोई दूसरा पर्सन वो यूज नहीं कर पाएगा। तो प्रॉपर अगर जब स्टैटिक आईपी आप किसी भी सर्विस प्रोवाइडर को बोलते हैं तो आपको ऐसे नहीं कर देता है, आपकी आईडी लेगा, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, जो भी आपकी आईडी है प्रॉपर वो लेता है, आपको जानता है, उसके बाद आगे ले जाके फोटो जाते हैं, प्रोसेस होता है। बिकॉज के नॉर्मल एक इंटरनेट कनेक्शन लेना और जब आप विद स्टैटिक आईपी इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं तो उन दोनों में फर्क हो जाता है। नॉर्मल कनेक्शन के लिए नॉर्मली आता है बंदा, जान पहचान आपके गांव का होता है, फ्रेंचाइजर, तो वो दे देता है, और स्टैटिक आईपी के लिए सर्विस प्रोवाइडर को बोलना पड़ता है, फ्रेंचाइजर सर्विस प्रोवाइडर को बोलेगा जहां से उसका मेन कनेक्शन आ रहा है, जो उसका सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, वहां से आपका वो स्टैटिक आईपी प्रॉपर आपके नाम पे रजिस्टर की जाएगी आपके आईडी पे, और वो सिर्फ आपको ही अलॉट कर दी जाएगी ताकि दूसरा बंदा नहीं कर पाएगा, सिर्फ आपके लिए। तो ये गलती जो है वो आप सभी लोग ना करें। अगर आप सभी के पास है स्टैटिक आईपी तो वो कंफर्मेशन जरूरी है जो मैंने आपको तरीका बताया है, जो इस तरीके से आप फॉलो करेंगे इस स्टेप को कि आप अपनी आईडी दे के रजिस्टर्ड कराएं, प्रॉपर उसकी रिसिप्ट लें और उस पर लिखें कि वो मेरा प्रॉपर हो गया है, जो भी उसका रेंटल है, जो उसकी फेस है, वो आप अपने बिलिंग सर्कल में साइकिल के अंदर एड करके दे देंगे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पे देख रहे हैं आप, जब से अब यहाँ देखें सेम एक ही स्टैटिक आईपी 6 लोगों को हो रही है, सेम स्टैटिक आईपी यहाँ पे देखें 4 लोगों को हो रही है, सेम ये काउंट 2 बार हो रहा है। तो आप यहाँ पे देखें बहुत सारे लोगों का स्टैटिक आईपी सेम एज इट इज शो हो रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। अगर एक वेलीज है और एक के ऊपर एक होना चाहिए, तो बहुत सारी यहाँ पे चीजें शो करनी है जो काफी कंफ्यूजन है आप सभी को लेके, तो ये चीज ध्यान रखें। एनी डेस्क के अंदर बहुत सारे लोगों ने मिस्टेक की है, वो मिस्टेक ना करें आप। जैसे ये स्टैटिक आईपी इस तरीके से डालें आप, सॉरी ये आपका एनी डेस्क आईडी है वो आप इस तरीके से डालें जैसे इन्होंने डाला हुआ है, ये आप देख लें स्टैटिक अपना एनी डेस्क आईडी इस तरीके से ना डालें। अब क्या होता है बहुत सारे वीएलईज यहाँ उठाते हैं और वहां से कॉपी किया, जैसे यहाँ कॉपी किया यहाँ से और उठा के लाके उन्होंने पेस्ट कर दिया वहां पे, तो ऐसा ना करें, वहां पे लाके ऐसे करेंगे तो थोड़ी दिक्कत होगी आप सबको। तो खासतौर जब आप एनी डेस्क करें एनी डेस्क में कॉपी ना करें, और एनी डेस्क में अगर आप कॉपी कर रहे हैं तो बीच का जो स्पेस है उसको आप हटा दें वहां से, है ना, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, ठीक।
तो ये था जो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था आप सभी के लिए, और चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें, बिकॉज व्यूअर और यूट्यूब फैमिली एक बहुत ही ख़ास आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपके कोई चीज़ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप उसको कर लें। अगर कोई इंपोर्टिंग फाइल वगैरह के कुछ इशू आ रहा है तो टीम हमारी बैकएंड टीम बैठी हुई है आप लोगों को हेल्प करने के लिए, बट वो थोड़ा सा नॉमिनल फीस चार्ज करेंगी, पेड होगा, तो आप वहाँ से जाके कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का एक पेज ओपन होगा, जिस पेज में आप बड़े ध्यान से देखेंगे रियली इस सपोर्ट के लिए स्पेशली ये बनाया गया है, और इसमें श्योरीज की टीम यहाँ पे आप देखेंगे, श्योरीज सपोर्ट टीम इसको हैंडल कर रही है और प्रॉपर श्योरीज ही इसको हैंडल कर रहा है। तो इसमें प्रॉपर अपना ईमेल आईडी डालें, फोन नंबर डालें, उसके बाद आपको जो भी इसमें सर्विस चाहिए होता है, जैसे अभी यूसीएल के अंदर बायोमेट्रिक सिंगल आयरिस डिवाइस है ना, उसका सॉफ्टवेयर नहीं मिल पा रहा है या आपको इशू हो रही है। देखिए अगर आपको इजिली कोई चीज, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपके पास बहुत सारे वेलीज के बाद मेरे पास मेल आ रहे हैं, सर आप इसका चार्ज क्यों कर रहे हैं, इसके लिए ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो देखिए गाइस ये ऐसा कुछ नहीं है कि वी आर जस्ट स्टैंडिंग फॉर दैट कि हम लोग आपके लिए कुछ हेल्प कर रहे हैं, उसके लिए टीम वर्क करती है, उस पर मैन पावर लगते हैं, तो उन सभी का सैलरी जो उन सबके खर्चे कहाँ से आएंगे। तो अगर मैं अपने बिजनेस से हटके अगर आप लोगों के लिए प्रॉपर एक सपोर्ट टीम मैंने एक रखा हुआ है, हायर किया हुआ है, तो उन लोगों के लिए करने के लिए जो चार्जेस है वो सिर्फ स्पेशली उसके लिए जा रहा है, और सिर्फ एक नॉमिनल चार्ज है। आप देखेंगे कोई बहुत ज़्यादा 2-4, 5,000, 6,000, 10,000 ऐसा कुछ नहीं है, नॉमिनल सा फीस है जो हर कोई इसको पेबल के लिए है और कर सकता है इजली। तो यहाँ पे बायोमेट्रिक का है, जो बायोमेट्रिक्स पहले ई परत था वो बायोमेट्रिक हो गया था, यूसर का जो बायोमेट्रिक सिंगल आयरिस डिवाइस है वो आप देखेंगे तो सॉफ्टवेयर ओनली, अगर उसका प्रॉपर इंस्टॉलेशन चाहिए तो वो करें आप, मंत्रा का इंस्टॉलेशन, मॉर्फो का इंस्टॉलेशन है ना, ये सब कुछ आपको प्रॉपर दिया गया। यूसीएल में अगर आपको सपोर्ट हेल्प फॉर सॉफ्टवेयर कंप्लीट इंस्टॉलेशन तो ये करें, यूसीएल में अगर आपको सिर्फ नया वर्जन सॉफ्टवेयर चाहिए वो कर सकते हैं आप। यूसीएल का जो यूजीआर 86 यूएसबी जीपीएस डिवाइस जो आ रहा है, मैं आपके पीछे वीडियो में देखा होगा आपने मेरे जो इस चैनल पे एक जीपीएस के डिवाइस के लिए है, तो उसमें उसका सॉफ्टवेयर अगर नहीं मिल रहा है तो वो आप ले सकते हैं, अगर सॉफ्टवेयर मिल गया तो आप इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आप यहाँ पे भी इंस्टॉलेशन के लिए रिक्वेस्ट दे सकते हैं। श्योर इसका अगर मेंबरशिप आप एनुअली लेते हैं जिसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी उसकी एक ई मीटिंग होगी, ई मीटिंग एक तरह से जैसे जूम हो गया या आपके गूगल के लिए मीट के थ्रू या जो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, तो एक श्योर इज मेंबरशिप एनुअली आप लेते हैं तो इसमें जो चार्ज है नॉमिनल सा है, ये वह एक साल के लिए रहेगा, और इसमें आपको न्यू अपडेट्स मिलते रहेंगे, और हर इसमें डे कुछ दिनों पे अंतराल में जो नए नए स्कीम्स आएंगे उसके बाद सारे को कनेक्ट करके सभी लोगों को, और ई मीटिंग होगी जिसके अंदर सबसे राय सुझाए और किसी की प्रॉब्लम का उसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा। ये मॉर्फो का डिवाइस और मंत्रा का डिवाइस, क्विक हिल एंटीवायरस, जैसे मैंने भी बताया आपके सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद क्विक हिल एंटीवायरस आप डाल लें तो मार्केट इसकी जो प्राइस है वो 700 प्लस मार्केट के अंदर आ रही है, और जो है वो हमारी टीम ने आपको बहुत नॉमिनल कॉस्ट में लगाया हुआ है। और अगर कोई गाइज सीसी बीसी में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, यानी यूसीएल जिनका नहीं हुआ सिर्फ सीसी रजिस्ट्रेशन है उनके पास, और बीसी में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उनके लिए कोई हेल्प और सपोर्ट चाहिए तो वो कर सकते हैं, और सीसी में किसी को नया रजिस्ट्रेशन चाहिए उसके लिए सपोर्ट है, और अगर आपने बीसी आपके पास आ गया यूसीएल आपने अप्लाई नहीं किया है तो आप यूसीएल रजिस्ट्रेशन के लिए भी सपोर्ट ले सकते हैं, और अप्लाई वेली इंश्योरेंस जो वेली में वॉक कर रहे हैं अगर वो इंश्योरेंस वेली के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं जिसमें वो इंश्योरेंस का वॉक कर पाएंगे उसके लिए है, और किसी का अगर वेली है और आईएसटीसी में रजिस्ट्रेशन करना है तो उसके लिए सपोर्ट है। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर इसमें नेम अपना मेंशन करना है, सीसी आईडी, और ये सारी चीज़ें आपको मेंशन कर देने हैं, डिस्ट्रिक्ट पिन कोड, और ये है एक डोनेशन का ई सपोर्ट टैब। डोनेशन में अगर आपकी मर्जी है तो आप कुछ डाल सकते हैं, 1 रुपये, 2 रुपये, 10 पैसे, 20 पैसे, 30 पैसे, जो भी आप 2-4, 1-2, 1 रुपये से लेके जो भी आप डाल सकते हैं, ये आपके अपने दिल के खुद की अपनी इच्छा होगी, ये आप इस पर योर चॉइस, तो आप वो डाल सकते हैं। उसके बाद जो भी इसमें आपको चाहिए सर्विस के अंदर वो सेलेक्ट करें, प्रॉपर ईमेल आईडी, प्रॉपर फोन नंबर अपना डालें, प्रॉपर अपनी सारी डिटेल फिल करके आप पे नाउ कर दें, और जो पेमेंट का जैसे प्रोसेस होता है वैसे ही कर सकते हैं। तो ये जो हमारे टीम ने मिलकर दिन रात मेहनत करके आप लोगों के लिए ये टीम लेके आ रही है, और सीरीज अब आप सभी के लिए बहुत अच्छा वर्क कर रही है। इसके साथ और भी बहुत सारी सर्विसेज ऐड होने वाली है जो एक वेलीज के लिए, स्मॉल बिजनेस के लिए जरूरी होता है, और वो हेल्प बड़े आसानी से मार्केट में नहीं मिल पाते हैं या कोई हेल्प नहीं करता है। तो ये हेल्प इसमें रहेगा, भेदभाव नहीं रहेंगे, किसी तरह से कुछ नहीं होगा, सिर्फ नॉमिनल सा फीस है और आपको प्रॉपर सर्विस दी जाती है। एक
हमारे गाइज हैं जो मोहम्मद यूनिस हैं, वेलीज हैं, उन्होंने कहीं से हमारे सपोर्ट टीम को कॉन्टेक्ट किया था, सपोर्ट टीम ने उनको गाइड भी किया और किसी वजह से उन्होंने एक पेमेंट किया था, वो पेमेंट टेस्ट में डमी पेमेंट चला गया, उनके अकाउंट से नहीं हुआ है। तो अगर ये वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज आपके पास कंटिन्यू टीम मेल कर रही है तो आप उसका रिप्लाई दें या फिर आप उस मेल में दिए गए लिंक पे आप दोबारा से उसको पेमेंट कर पाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थोड़ी सी लंबी हुई, सॉरी फॉर दैट, बट आपको थोड़ा जानकारी से सही से समझ से और अच्छे से बताना जरूरी था, इसलिए तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें, बड़ों को नमस्कार आदाब, छोटों को दुआ और बहुत सारा प्यार। सीसी वेली हमारे YouTube फैमिली, लव यू ऑल, बने रहें चैनल पे और ऐसे ही अपना प्यार देते रहें। पिछले वीडियो के प्यार के लिए आप सभी का मैं शुक्रगुजार, अब भी आभारी हूँ और अभिनंदन, स्वागत, जय जय, जय हिंद।